एलाइलिक हैलोजनेशन में ये होता है कि जब एल्कीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के संग रिएक्शन कराया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो जो एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन एटम है वो क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं एलाइलिक हैलोजनेशन। इसे रिएक्शन के द्वारा समझ लिया जाए, जैसे CH3 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH2 हो गया। ओके, अब इसे हम लोग क्लोरीन के संग रिएक्शन करा दें, हाई टेम्परेचर होना चाहिए 773 के लिए। इसमें क्या होगा कि जो एलाइलिक कार्बन ये है, इसका हाइड्रोजन क्लोरीन एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जब क्लोरीन एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो क्या बनेगा, Cl CH2। ओके, फिर ये CH वैसे ही रहेगा और ये डबल बॉन्ड CH2। थैंक यू, इतना समझ गए। और प्लस में HCl बन के निकल जाएगा, HCl। इसे और अच्छा समझ लीजिए, जैसे ये कार्बन हुआ, इस पे 3 हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन हो गया, इस पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, और ये क्लोरीन Cl 773 केल्विन हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो कोई इसमें ये हो गया एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन का कोई हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जब हीट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रोकन होगा और एक कार्बोकेटायन बनेगा, और ये जो H है वो Cl के संग मिलकर अलग हो जाएगा, प्लस HCl। अब यहाँ का प्लेस खाली रह गया, इसको ये क्लोरीन एटम ऑक्यूपाई कर लेगा, तो क्या बनेगा, CH वैसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन एटम आ जाएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये सारा वैसे ही रहेगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलोजनेशन। इसमें का एलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है किसी हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस किया जाता है या सब्स्टिट्यूट किया जाता है। थैंक यू।